नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं दावत खाने। छठी की दावत है दोस्तों। तो आपको बता दें, अब किस जगह हमें जाना है, जहाँ पर हमारे जो बड़े भाई हैं दोस्तों, वो दुकान करे हैं और जिनके मकान में दुकान करे हैं। तो आज उनके ही लड़के की दोस्तों छठी है। तो उन भैया भाभी ने, दोनों लोगों ने, हम सभी फैमिली वालों को इन्वाइट किया है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं वहीं पर। चलो दिखाते हैं आपको वहाँ पर कैसा कार्यक्रम है, कैसी व्यवस्था है और कौन कौन जा रहे हैं साथ में, सभी को दिखाएंगे। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो भैया भाभी हैं दोस्तों, उनके जो लड़का की छठी है, तो उन भैया भाभी को उम्र लगभग 40-42 साल की हो गई है। तब जाके उनको एक लड़का हुआ है और उनका नाम कोई लड़की है, लेकिन तब जाके ये पहला बच्चा है उनका। तो खुशी से तो आए झूमेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जब संतान ही नहीं होगी तो किसके लिए करेंगे। तो उनको, चलो भगवान ने एक बच्चा दे दिया है लड़का। तो चलो चलते हैं, सभी से मिलवाते हैं, भैया भाभी कौन उनसे भी मिलवाएंगे। इधर सुलेखा तैयार हो गई है एकदम, साड़ी तुम्हारी मस्त लग रही है आज। तुम्हारी साड़ी हमने मस्त करी, तुमने थैंक यू नहीं बोली हमसे। तुमने तो मस्त नहीं लगी। बता रहे, हम साड़ी जो खरीदते हैं ना, तो मस्त लगती है। तो चलो दिखा दें आराम से। हमारे बच्चे भी दोनों तैयार हो गए हैं। गाइस कैसा लग रहा हूँ? मस्त एकदम टकले। सुपर सुपर। पूछ रहे गाइस कैसा लग रहा है। अच्छे से बता दे, बाल जमे आप कटक ले रहे थे। मम्मी तुम नहीं चले हो? मम्मी बोल रही है गर्मी तो नहीं, परेशान है वो, पूरी और खावे जा, भीड़ भाड़ है, गर्मी और ये ज्यादा। चलो तुम्हारे यहीं ले, परसा बोलते हैं गांव में, परसा करवा दी। अच्छा। एसी चलवा दे अम्मा के लिए। अरे चलो एसी चल दे, मम्मी के लिए खाना लेते हैं यहीं घर पर। ज्यादा घर अंदर हो गए, सबसे बड़ा घाटा है। अब चार पहिया गाड़ी हमारे दरवाजे तक नहीं आ पाती, वहाँ रोड बाहर खड़ी करना पड़ता है। सब लोग पैदल जाते हैं वहाँ तक, लोग 500 मीटर पैदल भगाना पड़ता है। अजय देखो सालनी की दीदी की बिटिया, कहा नाम है बेटी? ओमी है। ओमी भी जा रही है साथ में, आधे लोग जा रहे हैं आधे लोग नहीं जा रहे, हम तो छोटे वाले भाई आ रहे। कछु लोग गर्मी में पूरी खावे से डर गए हैं, सब वो लोग नहीं जा रहे हैं, जो डरा नहीं रहे, हम तो नहीं डरा पूरी पूरी खावे। हालांकि पूरी नहीं, लेकिन वे लोग ज्यादा प्रयास करो, तब जैसे कह रही थी काफी लोग आए हैं। हम के सुलेखा भाभी संदीप भैया मिलिए हैं, तो हम लोग सबसे मिले हैं जब वहाँ। आ जा भाई पैदल पैदल। दरअस पहले पहुंची हो गाड़ी पास, देखो फिर किया खोले बैठी को। तैयारी पहले ही बनाए तुम लोग हैं। मौसम बढ़िया हुई, बादल है लेकिन बादल बरस नहीं रहो है, पूरी बढ़िया खमी है। लेगा गोल गप्पे खाइयो जी। अरे ना देखो, हमारे इन लोग किसान लोग हैं, रोड पे मक्का सुखा लेते हैं। देखो मक्का सूख रही है, जाके आगे उधर मेरे खेत है, वो सामने मशीन लगी। वाह हमारी झोपड़ी दुकान लगी, देखो रही
सबसे पहले हम आए हैं भाभी के रूम पे। भाभी देखो मास्क लगाए क्या कर रही है। भाभी तबीयत नहीं सही है, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी वजह से। अब आराम है, मुंह दबा लें तहाँ से। इधर आयुष देखो व्यवस्था अपनी एकदम लगा रहा है, चटाई टाई बिछा रहा है अपनी मौसी के लिए। हम आ चुके हैं जहाँ पर आना था, चल रही है। इधर देखो लोही काट रहा हमारा पवन भाई। आंधी आई तो मारो रुपए लोही। कौन कौन कटवाए देख रहे हैं गांव के कार्यक्रम के हिसाब से। उधर देखो पूड़ियाँ देख रही है, आंधी भी आ गई है भाई व्यवस्था में। दोस्तों गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी चीज़ की दावत हो, तो जिसके घर दावत होती है ना, पूरे गांव में घर घर पे बोल देता है शाम को जाके कि भाई कल व्यवस्था दिखवाना हमारे वहां पर, वहीं खाना वगैरह खाना सब ठीक है। तो ये सब गांव में होता है, तो इसीलिए सभी लोग आ जाते हैं काम करवाने के लिए। और जब तक काम नहीं हो जाता तब तक लोग हटते नहीं हैं, पूरी व्यवस्था अच्छे से दिखवाते हैं। लेकिन शहर का थोड़ा सिस्टम अलग है, वहाँ पर कोई काम वगैरह नहीं वैसा करवाते हैं, और वहाँ तो वैसे ही लोग आ जाते हैं मिस्त्री करने के लिए। यहाँ पर सब गांव के लोग हैं, एक दूसरे का काम दिखवा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उल्ला वाली पूड़ी बन रही हैं। तो ये उल्ला वाली पूड़ी बहुत पसंद है लोगों को। ये देखो सिख रही है पूड़ी। इधर मोंटी भाई बैठे हुए हैं आगे बढ़ाने के लिए। ठाकुर भाई बढ़िया व्यवस्था में लगो। ये है भैया इनके लल्ला की छठी अभी भाभी। अब लल्लू दिखाई अमन भाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। बिल्कुल भैया दिखाओ। अरे भाई दिखवा पड़े, तुम्हारे पड़ोसी है आखिर। अमन भाई पानी बाल्टी पकड़ ली है, लग जा व्यवस्था में। भाभी लल्ला का करो तैयार हो का। हाँ यहाँ से लेखा हुआ है, यहाँ पे वो रूम पाएंगी भाभी के साथ। मैं रेखा भाभी गुब्बारा वाली सजावट लेट कर दी है, बोलो सज जाते हुए। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या करते रहे तुमने गुब्बारू नहीं लगाए भाई हैं? जो काम तुम्हें सौंपो वो तुम्हें गुब्बारा लगवा दिए। लगवाओ यार जल्दी जाने की व्यवस्था बढ़िया करो। फिर खाना पीना खबने लगा है, सभी लोग बैठे। वैसे पूरी खावे में अब आनंद है, काहे हल्की हल्की बारिश हो रही है, हैं गर्मी खत्म हो गई है। पूरी ज्यादा खावे हैं, देखो पानी भर करो हैं, दो की जगह चार खा जाए पूरी। जा सब्जी ले जा रहा था। दोस्तों आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। चलो खा संदीप भैया। हाँ भाई खा सब लोग भाई। खाया तुम लोग खाना? खाया है क्या? खाना खाया है क्या दरस? तुम खाया है? तुम खाए हैं बब्बी? हम तो खाना खा के भाभी के रूम पर आ गए हैं सुलेखा को लेने के लिए और ओमी को लेने के लिए। ओमी भूख लग रही होगी बहुत ज़्यादा। और यस दरस ये बच्चे सभी लोग खाना खाए हैं, भाभी तो जाएंगे नहीं क्योंकि इनको पूड़ियाँ मना है, इस वजह से इनका परहेज चल रहा है। तो सुलेखा आज तो सुलेखा अकेले जाना पड़ेगा ना तुम्हें। दावत खावे के लिए ये हम दोनों की सब्सक्राइबर है सुलेखा, मिल ले आराम से। अच्छा वैसे गर्मी भी ज्यादा हो रही है, ठीक किया आप आ गए, आप फैन हो गए। ऐसे फोटो के लिए करवा रहे हैं। अभी हम पवन भी है इधर। पैसा किनके गिरे क्या? खाना खा क्लिक।
करके भीड़ भीड़ है, सभी मेहमान आए हुए हैं घर पर, इधर भी खड़े हैं और इधर भी है सभी लोग हैं, सब लोग आए रे। अरे ठीक है, अरे अरे उनके चक्कर में आओ बिल्कुल अरे भाभी लल्ला को दूध दुआ रही है। जैम रख दे, कहीं रख दे सब। संदीप भैया ये देखो, ये देखो, इधर देखो।